नमस्ते, सत श्रीकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ। ये पीछे देख रहे हो, ये मेरा होटल था रात को, यहाँ पे चेस चेस करके कोई जगह है यहाँ पे। आज जो टारगेट है 125 किलोमीटर का है, लोंगा करके कोई जगह है, वहाँ पहुँचने का टारगेट है भाई। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, 7:15 बजे सनराइज़ हो जाता है यहाँ पे, तो आज मैं 15-20 मिनट लेट हो गया। और इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया, ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया देखना एक बार। जैम और ये ब्रेड दे दें, कॉफ़ी और ये जूस। अब राइड स्टार्ट करते हैं। मैसी बने भाई साहब, कल जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे होटलों में चक्कर काटने पड़े थे, इसमें भी काट के गया था मैं, और कोई होटल जो है $50-60 से नीचे नहीं बोल रहा था। 90% तो फुल थे। यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है तो बड़ी मुश्किल से वो होटल मिला हमें। ये काफ़ी बड़ा सिटी है। सोनालिका खड़ा है भाई, T175। हमारे इंडिया की तरह रास्ते में रख के फ्रूट वगैरह सारे वैसे ही बेचे जाते हैं, स्टॉल भी वैसे ही लगी हुई है छोटी छोटी छोटी। बच गए हैं 10। हम नीम के नीचे अपनी दनों को रोक के और सामने की हवा से लड़ रहे हैं। पर यहाँ पे अब डेजर्ट तो स्टार्ट हो गया, पर थोड़ी थोड़ी खेती हो रही है इस एरिया में। मैंने खेती देखी, वो वहाँ पे पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ है। और मैंने सुना है बॉर्डर की तरफ, जब लोंगो की तरफ जाएंगे तो कुछ हमारे लोग भी खेती करते हैं, इंडियंस के फार्म हैं यहाँ पे काफ़ी। नीम इस रूट पे ना, नीम का पेड़ इतना दिखा यार मुझे, आई रियली मज़ा आ जाता है। नीम की छाँव बड़ी ज़बरदस्त होती है, सबसे अच्छी चीज़ तो दांतुन तोड़ के और उसका ब्रश करने का मज़ा ही अलग है। तो अभी हम दांतुन तोड़ लेते हैं, अपनी टूथब्रश रेडी हो गया, इसको थोड़ा आगे से चबा लो भाई। ये बेस्ट टूथब्रश है यार, अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से करो ना तो इससे बढ़िया टूथब्रश नहीं हो सकता। ना ही कोई पेस्ट की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की, बस इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, एक नीम का पेड़ आपके आसपास लगाना पड़ेगा और पूरे परिवार को आपका खर्चा बच जाएगा टूथपेस्ट का, टूथब्रश का। थोड़ा थोड़ा कड़वा होता है नीम, तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2-4 दिन दिक्कत आएगी, बट उसके बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है यार, सुपरमार्केट्स बनी हुई हैं। ये पानी की टंकी जापान ने बनवा के दी है इनको। औरण जबरदस्त लगा रखे हैं भाई ने। स्ट्रीट लाइट अच्छी लगा रखी है यार। देसा नो फ्रांस से आते वट इसे आता कैफे, क्या गेम में कैफे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, इसको कैफे बोलते हैं यार। कॉफी ले लिए, कैफे और थोड़ा सा मूंगफली के दाने। वो वाली मूंगफली बहुत काम आई यार, पीछे जो थी ना 15-20 दिन चली हमारी। अच्छा लग रहा है यार आज राइड करके। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आज टेम्परेचर ज़्यादा नहीं तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं नमकीन खा रहा हूँ, नमकीन खा के और चलूँगा यार। यहाँ पे नीम के पेड़ बड़े ज़बरदस्त है भाई, मैं फ़ैन हो गया। आप और हम भी लगा सकते हैं यार, और इतनी अच्छी छाया है ना, मज़ा आ गया। बड़े बड़े पेड़ भी हैं और ये भी हैं, और इन्होंने तो बैठने की अलग भी जगह बनाई हुई है। दोनों बेचारी परेशान सी खड़ी है। टारगेट जो है 70 किलोमीटर के करीब रहा है, उससे पहले भी एक होटल दिखा रहा है, देखता हूँ वहाँ रुकूँगा या टारगेट पे जाके रुकूँगा, मूड की बात है। बिस्किट ये वो वाले हैं,
पोर्ट्स वाले, पेट सा भर जाता है यार इनसे। दनों को वहाँ खड़ा किया है, अब टोटली ड्राइनेस स्टार्ट हो गई है, मतलब वेदर जो है वो गर्म हो गया है और उसमें हवाएं जो हैं गर्म गर्म आने लगी हैं, वो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी ख़त्म हो चुकी है भाई। तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया। तो दोस्तों मैंने ले लिया शावर, ये रूम लिया मैंने यहाँ पे, रूम मुझे बड़ा एक्सपेंसिव मिला, $25 के आसपास मिला है, तो आप यूँ लगा लो कि 2000 रुपये से नीचे तो यहाँ पे कोई रूम मिलता ही नहीं है। बट ये गेस्ट हाउस अच्छा बना हुआ है और बस देखता हूँ अभी कुछ खाने को मिल जाए तो। यहाँ पे जो टारगेट था मेरा उससे मैं 20 किलोमीटर पहले ही ये मुझे रोड पर एक होटल दिख गया, तो मैं यहीं पर रुक गया यार, आगे पता नहीं होटल मिलता कि नहीं, पर ये अच्छा बना हुआ है। स्विमिंग पूल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। सनसेट का टाइम हो गया भाई, अरे वाह, इन्होंने तो जानवर पाल रखे हैं, मोर है इधर, ये मोर बैठा है, काला काला तितर। हमने डिनर के लिए पूछा इनको कि डिनर में कुछ है, तो वेजिटेरियन, कुछ भी नहीं मिला यार। तो अभी मैं रूम में जाके कुछ बनाऊँगा। मैं होटल के पीछे की साइड में आ गया, सहजन देखो कितना लगा हुआ है यार यहाँ पे, और कितना अच्छा लगा हुआ है। ये टमाटर, शिमला मिर्च लगी हुई है, गोभी लगी हुई है, वेरी गुड, अपना काम बन गया, टमाटर हो गया। अभी रात को हमारा ये होटल था, इससे निकले हैं हम, तो आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इंक्लूडेड है। माताओं की मार्केट है, सब्जी बेच रही है यार। यहाँ पे स्कूल घर अच्छे बने हुए हैं, दोस्तों आज मौसम तो ठंडा है, 9:30 हो गया, मैं 20-22 किलोमीटर निकाल के आ चुका हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है कि हवा जो है बड़ी तेज चल रही है, तो ये तंग कर रही है। और अभी थोड़ा सा इधर टर्न हुआ है तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ, अदरवाइज तो रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा था। आज टेम्परेचर जो है 30-32 तक ही जाएगा, फालतू नहीं जाएगा, क्लाउडी है पूरा आज, देख रहे हो आप, अदरवाइज यहाँ पे क्लाउडी होता नहीं है नॉर्मली, पर अब जो फीलिंग है ना वो प्योर डेजर्ट वाली आ रही है, देखिए। और ये जो पेड़ लगा हुआ है, इसके जो बीज होते हैं जिसके अंदर, वो उनको तोड़ तोड़ के यहाँ के लोग इकट्ठे करते हैं, जैसे किक्कर है, ये किक्कर की जो अपनी भेड़ बकरियों को डालते हैं लोग और सेल करते हैं इसको, रोड पे आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। ये तो बड़े वाली है, उसकी छोटी किक्कर की और भी छोटी होती है, तो इसको ये लोग इकट्ठा करके और रोड साइड ये काफ़ी सेल करते हैं लोग, लेडीज़ आपको यहाँ से इकट्ठी करती हुई मिल जाएंगी रोड साइड पे। एक्चुअली लोंगो पहुँचने का हमारा कल टारगेट था, 9:30-10 बज गए, अब पहुँचे हैं यहाँ पे। इस स्टाइल की मैंने मस्जिद पहली बार देखी है यार, डिज़ाइन अलग सा है, और आपको रोड साइड हर जगह मीट की दुकानें, फ्रूट की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। ये वाली टैक्सी जो है इनके गांवों में चलती है, गांवों की तरफ जाती है। हवा तंग कर रही है, गर्मी तो नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर बहुत तंग कर रही है, बहुत तेज़ हवा है सामने की, है ना, कैसे फ्लैग कर रहा है। प्योर जो है रेगिस्तान स्टार्ट हो गया, मिट्टी भी रेगिस्तान वाली, और ये देखिए टावर वावर भी, घर भी दूर दूर बनने लग गए हैं, नज़दीक नहीं रहे अब। मैं अभी प्रूफ करता हूँ कि मैं रेगिस्तान में इंटर कर गया हूँ, ये देखिए रेगिस्तान के जहाज़ दिखने शुरू हो गए हैं रोड साइड, एक दो इधर खड़ा था। ऑफिशियली अब प्रूव हो गया कि हम रेगिस्तान में इंटर कर गए हैं। रेस्ट टाइम स्टार्ट, यहाँ पे 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे टारगेट पे। मिट्टी की बौछारें आ रही हैं मुंह पे। और मेरे को लगता है शाम हो ही जाएगी, 7-8 बज जाएंगे आज मुझे, पर अच्छी चीज़ क्या है कि वहाँ पे मेरा रहने का कोई प्रबंध हो गया है। पहले हमारे यहाँ पे बहुत गिद्ध होते थे,
अब ये सब गिद्ध जो है हमारे यहाँ पेस्टिसाइड से मर गए हैं। ये देखिए यहाँ पे गांव का नाम है राव। राव साहब आपका गांव आ गया भाई। 6:30 हो गए हैं और अभी टारगेट 20 किलोमीटर रह रहा है। भाई साहब हालत ख़राब हो गई है, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। सनसेट होने वाला है भाई, अभी भी 13-14 किलोमीटर रह गया। हवा इतनी तेज़ चल रही है, लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी अपनी डेरियां बना रहे हैं, छोटी छोटी डेरियां, पब्लिक बहुत सारी है। वेलकम टू सेंट लुइस, ये पुरानी कैपिटल है इस देश की। अभी हम हैं सेंट लुइस, लास्ट नॉर्थ वेस्ट सिटी बोल सकते हो सेनेगल की। यहाँ पे कल रात को मैं पहुँच गया था, यहाँ पे मैं संजय भाई के पास रुक गया था। संजय भाई भी यहाँ पे टेम्परेरी कंपनी के कोई काम से आए हुए थे, तो हम इनके पास रुक गए थे। और संजय भाई कैसे हो? बस बढ़िया सर। तो थोड़ी इंट्रो दे दो आपकी, कहाँ से हैं आप? मैं संजय सिंह बिस्ट उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, तो भाई मेरे को बहुत कम सिर्फ वो रेस्टोरेंट में ही बाकी लोग मिलते हैं, तो ऐसे मिलते नहीं है उत्तराखंड वाले नॉर्मली। रेस्टोरेंट में तो सब उत्तराखंड वाले मिलेंगे। तो थोड़ा सा मैं सेंट लुइस के बारे में बता दूं यार। सेंट लुइस जो है 1400 के आसपास है ना, यहाँ का, यहाँ से जो मक्का के लिए लोग जाते थे ना, उसका मीटिंग पॉइंट होता था, क्योंकि आगे सारा उनको सारा डेजर्ट क्रॉस करना होता था, तो ये एक मीटिंग पॉइंट होता था उनका। उसके बाद में फ्रेंच लोग आ गए, तो फ्रेंच लोगों की ये कैपिटल रही है काफ़ी लंबे टाइम तक। सेंट लुइस सबसे पहले कैपिटल ये सेंट लुइस थी। 1908 में जो है इसको यहाँ से शिफ्ट करके दकार लेके गए थे, उसके बाद में फिर दोबारा आ गई, तो 1957 तक ये सेंट लुइस इनकी कैपिटल दोबारा रही है भाई। तो हिस्टोरिकल सा सिटी है, पहले पुराने टाइम में ट्रेड के लिए यूज़ होता था, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, अब तो पुरानी बिल्डिंगें ही हैं और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अभी हम एक बार सुपरमार्केट की तरफ जाके आ रहे हैं। रमजान स्टार्ट हो चुका है और आगे हमें जो जिस कंट्री में मोरतानिया में जा रहे हैं, वहाँ कोई सुपरमार्केट वगैरह कुछ दिन में खुली नहीं मिलेंगी, तो मैं अपना सारा सामान यहीं से लोड करके चलूँ ताकि आगे मेरे को दिक्कत ना आए, क्योंकि रमजान के दौरान आप ओपनली कहीं भी खाना नहीं खा सकते, स्पेशली मोरतानिया में। यहाँ पर तो चल जाता है, यहाँ पर ना आइलैंड है छोटे छोटे से। अब हम आइलैंड की साइड में आ गए हैं, तो ये जो है पूरी फ्रेंच कॉलोनी है, फ्रेंच लोग रहते थे यहाँ पे पहले। ये फ्रेंच के टाइम में बनी हुई बिल्डिंग्स हैं सारी, और वो मेन लैंड उधर है, पुल को क्रॉस करते करते हम इधर आ गए। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए देख रहे हैं अब हम।